हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईपीओ एनालिसिस की इस वीडियो सीरीज में मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं इथॉस लिमिटेड, जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है 18 मई को और क्लोज कर रही है 20 मई को। ये कंपनी लग्जरी वॉचेस में डील करती है और अपना प्राइस बैंड सेट की है 836 से 878 रुपीस का। तो दोस्तों, जानेंगे क्या हमें इस कंपनी में एप्लीकेशन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, वीडियो के अंतिम तक जरूर से जुड़े रहिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों, अपने अनोखे तरीके में कंपनी के प्रोस्पेक्टस को एनालिसिस करते हो, चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आ गए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे जहाँ की इथॉस लिमिटेड के प्रोस्पेक्टस खुला हुआ है। और ये प्रोस्पेक्टस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? सेबी के वेबसाइट या एक्सचेंज के वेबसाइट से। कंपनी के वेबसाइट में भी आपको ये वेबसाइट प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। तो दोस्तों, कवर पेज में जैसे कि हम एनालिसिस करते हैं, पहले हमें यह देखना है कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। कंपनी के प्रमोटर्स है यशवर्धन साबू KDDL लिमिटेड और महेंद्र डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। ये तीन कंपनी के प्रमोटर्स हैं। टाइप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश इश्यू एंड ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, फ्रेश इशू का जो नेट प्रोसीड रहता है वो कंपनी अपने खाते में लेती है। ऑफर फॉर सेल का जो नेट प्रोसीड होता है वो सेलिंग शेयर होल्डर्स के खाते में जाता है। तो हमें फ्रेश इशू ही ऐसा पैसा है जो कि कंपनी में आता है और वो कंपनी आगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा सकती है। तो फ्रेश इशू कितने का है? अप टू 37,500 लाख। दोस्तों, अभी तक जितनी प्रोस्पेक्टस हमने एनालिसिस की वहां पे मिलियंस में फिगर रही है, अभी ये लैक्स में फिगर्स है। तो दोस्तों, ये फिगर है अप टू 37,500 लाख। तो 37,500 लाख यानी मतलब 375 करोड़ का ये इशू है। और ये ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं 11,08,037 इक्विटी शेयर्स का, क्योंकि कंपनी का प्राइस बैंड आ चुका है दोस्तों 836 से 878 का। अगर मैं हायर प्राइस है मतलब कैप प्राइस को पकड़ू 878 का, तो कुल मिला के ऑफर फॉर सेल का अमाउंट आ रहा है 97 करोड़। तो 375 करोड़ का ये फ्रेश इशू ला रहे हैं, 97 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, कुल मिला के हो जाता है दोस्तों 472 करोड़, 500 करीब, यानी 475 करोड़ का ये इशू साइज है। और इशू खुल रहा है 18 तारीख को, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है 20 तारीख को। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन इसके सेलिंग शेयर होल्डर्स है। तो सेलिंग शेयर होल्डर्स जो है, तीन प्रोमोटर्स हमने ऊपर ही डिस्कशन कर लिए थे, उसके अलावा और चार पांच और सेलिंग शेयर होल्डर्स जो कि प्रोमोटर नहीं है लेकिन प्रोमोटर ग्रुप में। प्रोमोटर ग्रुप क्या होता है दोस्तों? प्रोमोटर के जो रिलेटिव्स या इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उन्हें प्रोमोटर ग्रुप में कहते हैं। ICDR प्रोमोटर ग्रुप को भी डिफाइन कर चुका। ICDR क्या है? ICDR वो रेगुलेशंस है जिसके तहत एक कंपनी जब आईपीओ लेके आती है उसको फॉलो करना पड़ता है। उसे फॉलो करने के लिए किसको अपॉइंट करना पड़ता है? इंटरमीडिएट्स यानी मर्चेंट बैंकर्स। इस केस में इस कंपनी के मर्चेंट बैंकर है MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इनक्रेड कैपिटल वेल्थ पोर्टफोलियो मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों इस कंपनी के मर्चेंट बैंकर्स है। और केफिन टेक्नोलॉजीज के रजिस्टर्ड है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, क्या इस सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन कौन है, उनके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं काफी जन यहाँ पे शेयर सेल कर रहे हैं और एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 से 150 रुपया के अंदर अंदर है। तो 100 से 150 रुपया के शेयर्स के जो ये कंपनीज के शेयर सेलिंग शेयर होल्डर्स है उनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो अब सेल कर रहे हैं 836 से 878 के बीच में, जो कि इनका प्राइस बैंड है। तो एक तो 8 times गेन मिल रहा है, क्यों ना मिले, क्योंकि ये कंपनी से शुरू से जुड़े हुए हैं। अब टाइम आ गया है कि थोड़ा कैपिटल खुद के लिए विदड्रॉ करें। तो दोस्तों, आगे अब हम लोग जब ये इथॉस लिमिटेड के आगे बढ़ते हैं, अभी इसकी कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पिछले वीडियोस में हम लोग बिजनेस के बारे में जानकारी लेने के लिए कंपनी के बिजनेस चैप्टर में जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी का अगर हमको अच्छे से बिजनेस जानना है तो क्यों ना हम इसके वेबसाइट पे जाएं। तो जैसे ही देख रहे हैं आप कवर पेज में राइट साइड में कंपनी का वेबसाइट दिया हुआ है, जहां पे हम क्लिक करेंगे और इस कंपनी के वेबसाइट में जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हैं आप, ये कंपनी का वेबसाइट ओपन हुआ है, जहां की इथॉस लिमिटेड का ये वेबसाइट है, जहां की हमको ये समझ में आ रहा है कि कंपनी वॉचेस में डील करती है। क्या चीज में डील करती है? वॉचेस में, जैसे रोलेक्स का वॉचेस है और भी वेरियस ब्रांड्स है, एल्पिना, डोक्सा, ग्राहम, ये सारे लग्जरी वॉचेस जो है कंपनी डील करती है। देखिए आप यहाँ पे फीचर्ड वॉचेस के अंदर कैटेगरी है, ऑथराइज डीलर फॉर 60 ब्रांड्स, 60 ब्रांड का ऑथराइज डीलर है, जो कि यहाँ पे अपने को सारे ब्रांड्स के नाम दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इससे हमको ये समझ में आता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस
ये है कि कंपनी लग्जरी वॉचेस में डील करती है और लग्जरी वॉचेस के वेरियस जो मॉडल्स है उसमें डील करती है। कहीं ना कहीं हम कोरिलेट कर पा रहे हैं कि हम जब रस्ते में जाते हैं तो ऐसे लग्जरी वॉचेस के कई शोरूम्स दिखते हैं, शायद ये शोरूम्स उनके नाम पे हो, लेकिन एथोस से हम नहीं कोरिलेट कर पाते क्योंकि ये ब्रांड नेम नहीं है, ये इनका कंपनी का नाम है। तो देखिए यहाँ पे अबाउट अस में जब हम जाते हैं तो कंपनी का 6 वैल्यू प्रपोजिशंस दे रहे हैं कि क्यों आप मेरे से परचेज करेंगे, एक रोलेक्स का शोरूम का भी दे रहे हैं, हम लोग ऐसा शोरूम कई बार देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि कंपनी लग्जरी वॉचेस में डील करना है। दोस्तों अभी हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि लग्जरी वॉचेस का डिमांड आने वाले दिनों में कैसे रहेगा। एक तो ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कस्टमर टारगेट ऑडियंस को डील करते हैं, पिरामिड के नीचे के क्षेत्र के जो पॉपुलेशन या कस्टमर्स है उनको डील नहीं करती है, और दूसरा स्मार्ट वॉचेस आने के बाद ये सोचने वाली बात है कि ऐसी लग्जरी वॉचेस की कितनी डिमांड है, क्योंकि आप जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं मैं एक स्मार्ट वॉच पहन रखा हूं, आप भी कहीं ना कहीं स्मार्ट वॉच पहनते हैं और लोगों में एक स्मार्ट वॉच का बहुत बड़ा एक ट्रेंड आ चुका है, तो आने वाले दिनों में लग्जरी वॉचेस का कितना डिमांड रहेगा ये देखने वाली बात है। तो ये हुई बिजनेस की बात, हम लोग वापस चले जाते हैं प्रोस्पेक्टस पे जहां हम कवर पेज पे थे। अब हम जब बिजनेस की एनालिसिस कर लेते हैं या हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है बिजनेस, हम स्ट्रेट अवे जाते हैं रिस्क फैक्टर। दोस्तों रिस्क फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक प्रोस्पेक्टस का। जैसे कैसे जाते हैं रिस्क फैक्टर, हम टेबल ऑफ कंटेंट पे आ जाते हैं, सेक्शन 2 में रिस्क फैक्टर दिखता है, पेज नंबर 39, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम पहुंच जाते हैं रिस्क फैक्टर वाले चैप्टर में। अगेन यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स में अपने कंपनी अपनी अपनी रिस्क बताती है, बिजनेस रिलेटेड इंटरनल रिस्क एंड एक्सटर्नल रिस्क। हम कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके बताएंगे जो कि एक डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगी। तो पहला पॉइंट जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो है पॉइंट नंबर 2। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, वी डू नॉट हैव डेफिनेट एग्रीमेंट्स फॉर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और फिक्स टर्म्स ऑफ ट्रेड विद मेजोरिटी ऑफ आवर सप्लायर्स। फेलियर टू सक्सेसफुली लेवरेज आवर सप्लायर रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्क कुड एडवर्सली अफेक्ट अस। We are able to offer our customers a wide variety of premium and luxury watches due to our strong relationships with such brand from whom we procure the watches. दोस्तों ये गौर करने वाली बात है कि कंपनी वॉचेस मैन्युफैक्चर नहीं करती, ये प्रीमियम वॉचेस में डील करती है और ये वॉचेस वॉच मैन्युफैक्चरर्स से सोर्स करती है। कंपनी ये बोल रही है कि हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है इन सप्लायर्स का, अगर ये कभी बंद कर दे ये सप्लायर्स हम लोग को वॉच देना तो हम वॉच नहीं बेच पाएंगे नेचुरली, क्योंकि हम वॉच तो मैन्युफैक्चर करते नहीं और खुद की कोई ब्रांड हमारे है नहीं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि टॉप 5 सप्लायर्स का बहुत बड़ा वेटेज है। दोस्तों टॉप 5 सप्लायर्स 18-19 में 73% वॉचेस डिलीवर करते थे, जो कि 19-20 में थोड़ा घट के 72.19 आया है, फिर 2021 में 69.71 आया है, फिर 31 दिसंबर यानी 9 मंथ एंडेड में 66.87 आया है। हम ये देख पा रहे हैं कि ग्रेजुअली ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन स्टिल इट इज अ वेरी हाई नंबर, 66% आपके टॉप 5 सप्लायर्स है। अगर हम एवरेज में भी पकड़े क्या 13% एक सप्लायर हमको सप्लाई कर रहा है, अगर एक सप्लायर ऑफ कर जाता तो हमारा इमीडिएटली सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगा और हमें काफी हिट होगा। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के लिए ये वाला रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट हम लोग रिस्क फैक्टर नंबर 4 को एनालिसिस करेंगे, जहां कंपनी ये करती है, वी हैव सर्टेन कंटिजेंट लायबिलिटी एज ऑफ December 31, 2021 और प्रीवियस सारे इयर्स के लिए। कंटिजेंट लायबिलिटी वो तो जिसका बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं आता, लेकिन कंपनी को पता है कि ये एक ऐसी लायबिलिटी है जब अगर कभी मेरे पे आ जाए तो हमको पे करना पड़ता है। इस कंपनी के साइज के हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, तो ये आप लोग को दोस्तों गौर करना चाहिए क्या, जैसे वैट में 33 करोड़ का इनके पास एक कंटिजेंट लायबिलिटी है, जो कि सोचने वाली बात है और उनको देखना जरूरी है। अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे 9 नंबर पॉइंट 9.9.9 क्या कहती है, पॉइंट 9 बोलती है कि इस सप्लाई एंड को हम लोग देख लिए, अभी सेल्स कहां कहां से आ रहा है और कितना डिपेंडेंसी है कुछ एक दुकानों में या शोरूम्स में जहां से हमारा सेल्स आ रहा है। कंपनी बोल रही है आवर बिजनेस एंड इट्स सेल्स आर सिग्निफिकेंटली कॉन्सेंट्रेटेड अमंग सर्टेन स्टोर्स, आवर सेल्स फॉर द 9 months एंडेड December 31, 2021 आर कॉन्सेंट्रेटेड इन Certain tier 1 cities in India and a relatively small number of stores. देखिए बहुत important point. 3 ऐसे stores हैं, एक
न्यू दिल्ली में है, दो न्यू दिल्ली में है और एक कर्नाटका में है, जहां इनका टोटल सेल्स आप अगर देखें तो 30% आता है दोस्तों। 19 में ये 30% था, ग्रेजुअली ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? अगर इस इंस में से समझ लीजिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली सेलेक्ट सिटी वाला जो पहला वाला स्टोर है, अगर ये स्टोर में कोई कारणवश कुछ दिक्कत आ जाती है, कोई भी कारणवश और सेल्स हैम्पर हो जाते हैं या कुछ दिन बंद रहता है, तो कंपनी का सेल्स बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, क्योंकि 12% यानी ऑलमोस्ट 13% सेल्स यहीं से आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का डिपेंडेंसी ऑन फ्यू स्टोर्स बहुत ज्यादा है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो होने से ज्यादा अच्छा है। एक कंपनी के जितने कस्टमर्स हो, जितने आउटलेट्स हो और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसमें रिस्क फैक्टर कम रहता है, ना कि एक दो स्टोर्स में जहां से मेजोरिटी ऑफ द सेल्स आता है। तो दोस्तों ये थी 9 नंबर पॉइंट। अब हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट एक इस फैक्टर का पॉइंट नंबर जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है पॉइंट नंबर 18। थोड़ा हमको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 18 पे। आवर क्रेडिट रेटिंग हैज बीन डाउनग्रेडेड इन द पास्ट, एनी फ्यूचर ग्रेडिंग इन द क्रेडिट रेटिंग कैन मेक इट डिफिकल्ट टू फॉर अस टू रेज फाइनेंस फॉर आवर। कंपनी ये बता रही है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी का डाउन हुआ है और आने वाले दिनों में अगर और डाउन होते तो हमको लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर क्रेडिट रेटिंग आपका फॉल कर रहा है तो वो अच्छा साइन नहीं है कंपनी का। और क्रेडिट रेटिंग आपको अगर पूरी रिपोर्ट देखनी है तो गूगल में अगर आप सर्च करते हैं मेरे हिसाब से आपको वो मिल जाएगा। और आपको ये भी एक माइंड में रखना है कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग फॉल कर रही है और ये कंपनी खुद बता रही है अपने रिस्क फैक्टर्स में। तो दोस्तों आफ्टर वी एनालाइज द बिजनेस एंड नाउ द रिस्क फैक्टर, लेट अस नाउ मूव टू द शेयर कैपिटल चैप्टर। ये चैप्टर ऐसा है जो कि अभी तक हमने अपने खुद कोई भी पिछले आईपीओ एनालिसिस में नहीं कवर किया, लेकिन हमें लगता है कि इस चैप्टर में हमें कवर करना चाहिए, इस प्रोस्पेक्टस में हमें कवर करना चाहिए। वापस शेयर कैपिटल में जाने से पहले हम एक बार फिर से आ गए हैं कवर पेज में, जहां एक पॉइंट जो हमने इंटेंशनली शुरुआत में नहीं कवर किया था अब कवर करेंगे। दोस्तों ये फ्रेश इश्यू और जहां ऑफर फॉर सेल का साइज दिया हुआ है उसके नीचे एक पैराग्राफ में स्टार देके कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं उसे। Our company in consultation with book running lead managers has undertaken a pre-IPO placement of 3,02,663 equity shares aggregating to 2,500 lakhs. The size of the fresh issue as disclosed in the DRHP aggregating to rupees 40,000 lakhs has been reduced by 2,500 lakhs. इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका ये मतलब है कि कंपनी बोल रही है कि आईपीओ लाने के पहले 25 करोड़ रुपया हमने प्री आईपीओ में प्लेस किया है। प्री आईपीओ मतलब आईपीओ नहीं आया है उसके पहले हमने किसी को दिया है 25, और अभी जो इश्यू आ रहे हैं उसको 25 करोड़ से हम घटा देंगे। दोस्तों इसमें क्या देखना है? इसमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने प्री आईपीओ में पहले जो शेयर्स दिया उसे किस भाव में दिया है। क्या वो इश्यू साइज से बहुत कम में दिए हैं या उसी के आसपास दिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। तो दोस्तों इसको हम कैसे जानेंगे? 25 करोड़ हमें पता है अमाउंट है और शेयर्स है 3,02,663। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो वो अमाउंट आता है 826 पर शेयर। मतलब हमने प्री आईपीओ में किसी शेयर होल्डर्स को 826 पे वो शेयर्स दिया है और ये हम आईपीओ लेके आ रहे हैं 836 से 78। तो अगर हायर प्राइस पे अगर हम लेके आते हैं 878 पे कैप प्राइस पे लेके आए तो एक सस्टेनेबल मतलब एक हल्का सा गेन के ऊपर हम शेयर्स छोड़ रहे हैं। तो हमें ये अब हमारे मन में प्रश्न आ जाता है कि ये 826 में जो कि आज के प्राइस बैंड से एक नीचे भाव में आपने शेयर्स दिया है प्री आईपीओ में, वो किसको दिया है? तो क्या हमें वो नाम पता चल सकता है? हाँ दोस्तों एकदम पता चल सकता है। वो पता चलता है कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से, इसलिए आज हम कवर कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कैसे जाएंगे? वापस टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे और कैपिटल स्ट्रक्चर को खोजेंगे और 100 नंबर पेज पे हम आ गए हैं जहां हमें कैपिटल स्ट्रक्चर लिखा है। दोस्तों जैसे ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर को स्क्रॉल करते हैं पहला पॉइंट जो आता है वो है शेयर कैपिटल हिस्ट्री ऑफ आवर कंपनी। शेयर कैपिटल हिस्ट्री में यह पता चलता है कि कंपनी कब कब कैपिटल कैसे रेज किया। सबसे पहला कैपिटल जो कंपनी ने रेज किया था वो नवंबर 5, 2007 में है। ये इसके बाद कंपनी ने ग्रेजुअली रेज किया है। आपको यहां पे पता भी चल रहा है दोस्तों क्या किस किस भाव में कंपनी ने रेज किया। जैसे फरवरी 2019 में जो कंपनी ने फंड रेज किया था वो 10 रुपया फेस वैल्यू था, 85 रुपया पे प्रीमियम पे रेज किया था, यानी
₹85 पे कंपनी ने रेज किया था, यानी ₹75 प्रीमियम पे ₹85 पे कंपनी रेज की थी कंपनी। अब हम लोग स्क्रॉल करके आएंगे रिसेंट डेट पे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कंपनी ने इशू किया है ₹826 प्रति शेयर पे, किसको किया है ये हमें देखना है। तो जैसे ही हम नीचे क्लिक करके आते, देखिए यहाँ पे दिख रहा है मार्च 28, 2022, ये वही नंबर ऑफ शेयर्स है जो कि हमें कवर पेज में दिख रहा था, 302,663 नंबर ऑफ शेयर्स, 826 जो कि हम वहां पे कैलकुलेट किए थे, 826 पर शेयर पे कंपनी ने शेयर्स इशू किया प्री आईपीओ में, किसको किया, अबाकस ग्रोथ फंड टू अ सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों अबाकस ग्रोथ फंड टू बोल के एक AIF है, कैटेगरी 3 AIF है, जिसको कंपनी ने प्री आईपीओ में 302,663 शेयर्स दिए हैं ₹826 में। दोस्तों ये कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जब कंपनी एक ऑफर फॉर सेल लेके आती है, क्योंकि आप ये ऑफर फॉर सेल का जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है उनके भी कैपिटल बिल्डअप आप देख सकते हैं। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे उनको शेयर्स कब कब किस किस रेट में मिला है वो हम देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो हमने रिस्क फैक्टर कवर किया, रिस्क फैक्टर के बाद हमने कवर किया कैपिटल स्ट्रक्चर में, जहां हमने नया एक चीज देखने की कोशिश की, और अब हम मूव कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर के लिए हमें कौन से चैप्टर में जाना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 292 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। 292 पेज के हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस जो कि बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस है वो हमें मिलेगी, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। बैलेंस शीट में मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, एक चीज़ आपको खाली यहाँ पे हाईलाइट करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि कंपनी ने अपने बोरिंग्स को काफ़ी इंक्रीज़ किया है। 6349.53 का करेंट बोरिंग्स है जो कि 3490 है, तो पिछले 9 महीना में काफ़ी बोरिंग्स इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी के इन्वेंट्रीज में भी काफ़ी जंप आया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 9 मंथ्स एंडेड ये फिगर्स है, पहले 19,777 लैक्स का था जो कि अभी 23,963 लैक्स का है। आगे इस कंपनी का वापस देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स डिप कर रहा था, लेकिन 9 मंथ एंडेड इस साल में सेल्स ने अचानक जंप आया, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सेल्स में क्यों जंप आया है, जो कि सेल्स डाउनवर्ड था और 9 मंथ के जो फिगर्स है वो पिछले 12 महीने के फिगर्स को भी एक्सीड कर रहा है। दूसरा ये हम इसको भी बोल सकते हैं कि प्री कोविड लेवल वाले सेल्स आ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए 2020 में इनका सेल्स 45,784 लैक्स था, अब आगे प्रॉफिट को अगर हम एनालिसिस करें ह्यूज जंप इन प्रॉफिट 796 से 2163, अगेन क्यों ये ह्यूज जंप है ये एनालिसिस करना जरूरी है। हम लोग कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियोज में भी कहा, कैश फ्लो एक अलग चीज बताती है कि कंपनी के ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज से फंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो बहुत डिक्रीज हुआ है। पिछले साल 6,618 लैक्स का कैश फ्लो था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था, जो कि इस साल 2339.25 है, लेकिन इनकम टैक्स ज़्यादा पे किया है कंपनी ने, मतलब एडवांस टैक्स ज़्यादा किया क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन कैश फ्लो उतना जेनरेट नहीं हुआ है। कंपनी ने पैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जुगाड़ किया है, देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में कंपनी ने क्योंकि प्री आईपीओ में रेज किया तो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है, नॉन करेंट बोरिंग्स और करेंट बोरिंग्स में भी एक इंटरेस्टिंग इंक्रीज है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सेल्स क्यों इतना इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हिट हुआ दिखता है। तो ये आपको एनालिसिस करके डिसीजन लेना है कि कंपनी में ये क्यों ऐसा चेंज ड्रास्टिक चेंज आया है। अब हम लोग जब मूव करते हैं आगे के बेसिस ऑफ इशू प्राइस, कि कंपनी के इशू प्राइस में क्या क्या बता रही है और कंपनी इशू किस बेसिस पे ला रही है, तो बेसिस ऑफ इशू प्राइस जानने के लिए हम वापस चले जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, और बेसिस फॉर इशू प्राइस जो कि पेज नंबर 144 पे है हम वहां पे क्लिक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का जो कि आपके लिए गौर करना बहुत ही आवश्यक है वो ये है, क्या पॉइंट नंबर 3, देर आर नो लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया दैट एंगेज इन ए बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ आवर कंपनी, अकॉर्डिंगली इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एन इंडस्ट्री कंपैरिजन इन रिलेशन टू योर टू आवर कंपनी। दोस्तों ये अपने आप में एक ऐसी पहली कंपनी है जो कि इस स्पेस में आ रही है और लिस्टिंग हो रही है,
कंपनी ये बता रही है कि हमारे फाइनेंशियल्स को कंपेयर करने के लिए, पीई रेशियो निकालने के लिए, इंडस्ट्री पीयू जानने के लिए हमारे पास कोई कंपेरेबल्स नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी कंपनी ही नहीं है लिस्टेड स्पेस में जो कि ये काम करती है। आप बोल सकते हैं टाइटन है, लेकिन टाइटन का खुद का ब्रांड है, उसमें ज्वेलरी एंगल भी है, ये कंपनी का खुद का ब्रांड नहीं है, बाहर से ले लग्जरी वॉचेस लाके ये सेल करती है। तो आपको ये देखना है कि ये क्या ये इस प्राइस में लाना एप्लीकेशन करना सही होगा। अगर हम इसका 8 रुपया का ईपीएस भी मान लें, जो कि 9 मंथ्स एंडेड है, अगर 12 मंथ्स भी मान लें, तो करीब करीब 100 ईपीए में ला, 100 पीई में ला रही है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं इसमें नहीं इन्वेस्ट करने वाला हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आई लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, जहां मुझे लगता है कि मैं ये इससे कम पीई में या सस्ते में अच्छा बिजनेस कर सकता हूं। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है या खुद से एनालिसिस करके समझना है। मेरे इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप खुद से एनालिसिस करके अपना डिसीजन खुद ले सकें। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, ना ही मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं। जो भी ओपिनियन मैंने दिया है वो अब मेरा खुद का है। आप अपना डिसीजन लेने के पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च करके ही डिसीजन लें। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसी कंपनी को कंपेयर किया है जो कि अपने आप में एक अनोखा बिजनेस है और पहली बार ऐसी कोई कंपनी इंडिया लिस्टिंग में आ रही है। तो हमने शुरुआत की थी कवर पेज से, फिर कंपनी के वेबसाइट से बिजनेस में बिजनेस को जाना, फिर हमने रिस्क फैक्टर एनालिसिस की, जहां चुनिंदा हमने कुछ आपको रिस्क बताया जो कि इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हमने फाइनेंशियल एनालिसिस की, उसके बाद हम लोग बेसिस फॉर इश्यू प्राइस पे जाके अब से हम अलविदा लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हर एक आईपीओ आने के पहले मेरे चैनल को ज़रूर चेक करिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर आईपीओ एनालिसिस। तो अलविदा लेता हूँ दोस्तों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।